हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में। 2 BHK का रीसेल का फ्लैट है। प्रोजेक्ट का नाम है मैनुपस। ये मैन डेवलपर द्वारा बनाया हुआ है। ये प्रॉपर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बना हुआ है, फ्लाईओवर के नीचे। और ये जो बिल्डिंग है अभी मुश्किल से 3 से 4 साल के अंदर की ही बिल्डिंग है। इसमें 2 BHK 2-3 फ्लैट आया है हमारे पास सेल में, अच्छे प्राइस में सेल करने के लिए आया हुआ है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज इसी मैनुपस के रीसेल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। दिखाता हूं किस टाइप की प्रॉपर्टी है, कहां लोकेटेड है, कैसा इसका बाहरी एलिवेशन है, हाईवे से कनेक्टिविटी क्या है, ये सब पहले हम देखते हैं। उसके बाद में फिर प्राइसिंग की, मॉल कनेक्टिविटी, थिएटर, सुपरमार्केट, डीमार्ट वगैरह क्या कनेक्टिविटी है वो बताऊंगा। आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टी किस टाइप का है। दोस्तों, अभी मैं आपको 2 BHK की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। ये मानुपस में है, मानुपस सोसाइटी है। ये मीरा रोड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे प्रॉपर, आप जब दहीसर से टोलनाका से आते हैं तो आपको टोलनाका से मुश्किल से 3-4 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। ये इसका डाइनिंग एरिया है और ये इसका पूरा का पूरा लिविंग एरिया है। और यहाँ से आपको मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस का हाईवे का व्यू भी दिखाता हूँ। ये इसकी बालकनी है, बहुत ही खूबसूरत। और ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और दहिसर साइड का व्यू आपको दिख रहा है। उसके बाद ये पूरा लिविंग डाइनिंग का एरिया है। इसमें ना स्क्वायर बना हुआ है और सामने एक जगह दिया हुआ है जहाँ पे स्टोरेज या डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। और किचन आप हॉल में जब आते हैं तो राइट हैंड साइड पर इसका किचन मिल जाता है आपको। एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और इस टाइप में किचन है। मैं आपको किचन का, ये बालकनी है, यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन का प्रॉपर स्पेस बना हुआ है और नल भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी दिया हुआ है। और पीछे के साइड इसका आप देख सकते हैं स्टोरेज है। यहाँ से भी व्यू आपको काफ़ी बढ़िया, ओपन व्यू और वेस्ट ओपन मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं सनलाइट, एयर प्रॉपर आपको मिलता है। काफ़ी बड़ा किचन का स्पेस इन्होंने कवर किया है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम, दिखाता हूँ इसका कॉमन बेडरूम कैसा है, मास्टर बेडरूम कैसा है इसका। और ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इसमें वॉश बेसिन, कमोड वगैरह सब कुछ प्रॉपर एक स्पेस के साथ दिया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसका कॉमन बेडरूम, दिखाता हूँ दोस्तों। प्राइसिंग डिटेल ये सब मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप। ये इसका कॉमन बेडरूम है और कॉमन बेडरूम का व्यू भी देखे, प्रॉपर वेस्ट का आपको व्यू मिलता है, सनसेट का व्यू मिलता है। साथ ही साथ वेस्ट ओपन जो फ्लैट होता है ना, इसमें आप देखें एक अच्छी बात आपको ये मिलेगा कि साल में करीबन 11 महीने तक आपको वेस्ट से हवा मिलता है, जिसको एक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा लाभदायक माना जाता है वेस्ट का हवा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वार्डरोब का स्पेस, सामने वार्डरोब बना हुआ है और ये पूरा का पूरा बेडरूम है इसका। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसका मास्टर बेडरूम, दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, कबर्ड का स्पेस है इसका। और ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बालकनी का व्यू लेके चलता हूँ। बालकनी आप देख लें क्या, किस तरह से बना। इसमें एक पॉकेट बालकनी दिया हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा बालकनी नहीं है। मैं एक पॉकेट बालकनी आपको शो कर रहा हूँ। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको फिर से हॉल में। मानुपस की 2 BHK की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है 5th 6th फ्लोर पे है। वैसे तो इसमें मेरे पास 4-5 फ्लैट हैं,
सेल करने के लिए। ये मैं आपको एक 2 BHK दिखा रहा हूँ कि आप पैटर्न देख के समझ जाएं कि किस टाइप का है। स्क्वायर में इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है और ये सनराइज का साइड का व्यू है और सनसेट के साइड का व्यू है। इसमें दो ही दिशा में इसके विंडोज़ हैं और जो फ्रंट हाईवे साइड में है वो आप देख सकते हैं, तो आपको वो नॉर्थ में ओपन होता है। बट यहाँ से कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ियाँ जा रही है ना बैक साइड में, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी है और पीछे नेशनल पार्क मिल जाता है आपको। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे लिविंग डाइनिंग का एरिया और सामने एक वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, वार्डरोब जैसा, लेकिन यहाँ चाहें तो आप डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। और ये इसका किचन का स्पेस है, थोड़ा किचन में अलग अलग फ्लैट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोटा बड़ा जगह किया हुआ है, बट ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही है। ये वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया हुआ है इन्होंने, और ये बैक साइड में स्पेस है, उसको आप स्टोरिंग कर सकते हैं, कुछ पैक कर सकते हैं। और ये किचन का पूरा का स्पेस है, अपर कैबिनेट्स और मॉड्यूलर किचन इसमें बना हुआ है, जो आपको फ्लैट के साथ में ही मिल जाएगा, वैसे भी वो निकालने वाले हैं नहीं। और ये पैसेज में हम आ गए हैं, ये इसका कॉमन वॉशरूम है दोस्तों। कॉमन वॉशरूम में बाथ एरिया, टॉयलेट एरिया, वॉश बेसिन एरिया आपको मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको बेडरूम दिखा रहा हूँ कि कॉमन बेडरूम किस टाइप का है। और कॉमन बेडरूम में भी एक कवर्ड का स्पेस दिया हुआ है अलग से। इसकी एक ब्यूटीफुल बात यह है कि हर एक बेडरूम में, हॉल में इसकी बालकनी दी हुई है, जो आजकल के रेयर बिल्डिंग में ऐसा मिलता है बालकनी वाला। और ये इसकी हाईवे की कनेक्टिविटी है। बेडरूम का स्पेस काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वार्डरोब का स्पेस, 6x6 का बेड रखने के बाद भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम किस टाइप का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो रीसेल का प्रॉपर्टी है ये सब, बट लोकेशन इसका काफ़ी बढ़िया है। बिल्डिंग का OC आ चुका है, BMC वाटर इसमें रिसीव्ड हो चुका है, गैस पाइपलाइन आ चुका है, तो ये सब इसके डॉक्यूमेंट्स वाइज बिल्कुल क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग मैनोपस में रहते हैं तो नीचे का एमिनिटीज, एंट्रेंस, लॉबी वगैरह, लोकेलिटी कैसा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप फ्लैट के आगे मैं सारा कुछ दिखाऊंगा जो मेन वीडियो हमारा बनेगा उसमें। ये खाली फ्लैट वीडियो है, इसमें देख लें आप। फ्लैट के बाद फिर मैं सारी एमिनिटीज़ आपको दिखाऊंगा। फिर से मैं लेके चलता हूँ आपको इसके हॉल में। ये इसका पैसेज है, ये इसका फायर एग्जिट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। इसका स्टेयरकेस वाला एरिया है, दो स्टेयरकेस देना कंपलसरी हो गया है, बिल्डर को देना ही पड़ता है, अदरवाइज बिल्डिंग की OC नहीं मिलती, जो हाई राइज टावर्स होते हैं। ये इसका लिफ्ट है और ये पूरा इसका पैसेज एरिया है। बैक साइड में भी कुछ इस टाइप का, इस तरफ भी फ्लैट इसका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बट दो हाई स्पीड लिफ्ट आपको मिलता है, देख सकते हैं दोनों साइड आपको लिफ्ट दिया हुआ है। अभी आगे और भी इसका एमिनिटीज़ वगैरह देख लें आप, ओके। और प्राइजिंग और साइजिंग मैं आपको डाल दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल क्या है वो सब कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्राइज और साइज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट रहता है, तो आप हमारे जो नंबर है मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें, उसमें एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा कितने का साइज़ है, क्या प्राइस है और कैसा पोजीशन मिलने वाला है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप नंबर पर फ़ोन करें दोस्तों। ये इसका कार पार्किंग एरिया है, जो मैं फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ ना,
अब ये कार पार्किंग का भी लगभग 7 से 8 लाख रुपए की कीमत है। तो आप देख सकते हैं ये इसके फ्लैट के साथ में आपको मिल जाता है, जहाँ पे बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये बीच का पूरा कैंपस है, पूरा काफ़ी बढ़िया एक ओपन स्पेस। यहाँ पे कुछ बीच में इन्होंने कुछ लादी वर्क चालू है, और ये पूरा इसका बिल्डिंग का एलिवेशन है। अभी मैं नीचे पार्किंग में लेके चलता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा पोडियम पार्किंग का स्ट्रक्चर है, और काफ़ी बड़ा इसका पार्किंग एरिया दिया हुआ है। और पब्लिक भी यहाँ पे एक ग्रिड की पब्लिक है। और एक अच्छा प्लस पॉइंट क्या है ना कि ये बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बिल्कुल लग के ही है। ये आप देख सकते हैं डाउन पोडियम जाने के लिए, और ऊपर रैंप जो है वो अप पोडियम जाने के लिए है। ये मानोपस का आपको मैं दिखा रहा हूँ कनेक्टिविटी, प्रॉपर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से इसका कनेक्टिविटी है। ये आप बोरीवली चले जाते हैं, और अभी जो मैंने पहले दिखाया ये मीरा रोड और दहीसर के साइड से आते हैं जो, और ये इसका एंट्रेंस है, और ये सामने से इसका एलिवेशन है। मैं थोड़ा व्यू करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी आगे देखते हैं। ये मैं इसका एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ आपको मैनोपस का, बहुत ही खूबसूरत इसका एंट्रेंस लॉबी है। एटलीस्ट आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने, सिटिंग एरिया। और ये इसका रिसेप्शन काउंटर है, ये इसका वेटिंग एरिया है, जो अभी आपने देखा है सोसाइटीज़ में अगर कोई आते हैं जो वेट करते हैं उनके लिए सिटिंग के लिए दिया हुआ है। ये कुछ बार काउंटर के हिसाब से इन्होंने एमिनिटीज़ दिया हुआ है, साथ ही अंदर बच्चों को खेलने के लिए दिया हुआ है। ये इसका जिम्नासियम एरिया है, मैं आपको पूरा अंदर से दिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज ये लॉक है, फिर भी आप एक देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस इन्होंने कवर किया है। और सभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स इन्होंने रखा है यहाँ पे। पूरा डिटेल में देखने के लिए वैसे भी तो एक बार आपको साइट पे आना ही है। ये हर एक फ्लोर पे इन्होंने ये वेटिंग एरिया और पोडियम का स्टाइल बनाया है। मैं ऊपर का आपको जिम्नासियम एरिया दिखा रहा हूँ, जिम एरिया बोल सकते हैं और किड्स प्ले एरिया बोल सकते हैं एडल्ट्स के लिए। आप देख सकते हैं कुछ बच्चों के एक्टिविटी के लिए चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये पूरा का पूरा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैट खरीदने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकता है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ गेम वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा एक एरिया कवर किया है हमने। और ये इसका बैंक्वेट हॉल है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त हमने बैंक्वेट हॉल बनाया है यहाँ पे। अभी कंप्लीट ऑपरेटिंग में है ये, आप लेने के बाद प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद इसमें आप यूज़ कर सकते हैं पूरा का पूरा। ये टॉयलेट वॉशरूम के साथ में ये प्रॉपर इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ आपको सारी चीज़ों की सुविधा मिल जाती है। इसके बाद मैं आपको पोडियम पार्किंग दिखाता हूँ, तो आप देख के समझ पाएंगे कि क्या टाइप का है किस टाइप का है। अभी जो मैंने मानोपस का प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, रीसेल का दो फ्लैट है, इसमें 2-3 फ्लैट है हमारे पास, 1 BHK का भी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको 2 2 BHK का दिखा रहा हूँ। और डिटेल बता दूं, प्रोजेक्ट में 22 माले का टावर है, ये 22-स्टोरी टावर है, 9 विंग की पूरी सोसाइटी है ये, हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट यानी 6 फ्लैट है, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस के साथ बनाया है इन्होंने। ये जो फ्लैट मैंने दिखाया है मिडिल फ्लोर पे है और एक हायर फ्लोर पे है, OC इसका आ चुका है, BMC वाटर गैस पाइपलाइन वगैरह इसका आ चुका है।
और ये बिल्कुल वैकेंट फ्लैट है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर का ही बिल्डिंग है, अभी अभी 2-2.5 साल पहले इसका पोजीशन हुआ है। रेसिडेंशियल इसका सेकंड फ्लोर से स्टार्ट है, बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट इसका पोडियम पार्किंग है। सारे फ्लैट्स में इसमें बालकनी है, हाईवे व्यू फ्लैट है ये। किसी भी बैंक से आपको लोन चाहिए लोन हो जाएगा, मल्टीपल बैंक से, जिस भी बैंक में आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, इजिली लोन हो जाएगा। 2 BHK का कार्पेट एरिया इसका जो पहला है वो 700 स्क्वायर फुट के आसपास है और इसका फ्लैट कॉस्ट 90 लाख के आसपास है। 90 लाख का फ्लैट कॉस्ट है, बैठ के बात कर सकते हैं, जिसमें कार पार्किंग अवेलेबल है, कार पार्किंग है इसके साथ। दूसरा जो फ्लैट है वो 750 स्क्वायर फुट कार्पेट एरिया है, 750 स्क्वायर फुट, जिसका फ्लैट कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपया है, जिसका साथ में एक कवर्ड पार्किंग भी है दोस्तों। तो इससे भी कुछ सस्ते फ्लैट और अच्छे फ्लैट है हमारे पास इसमें मैनोपस में, वो आप फोन करें। इसमें क्लब हाउस, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नासियम, बैंक्वेट हॉल, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, ये सब तो आप देख ही चुके हैं, मैंने आपको दिखाया ही है लाइव। अब यहाँ की कनेक्टिविटी जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लैट खरीदते हैं 2 से 10 मिनट के अंदर आप ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल, सेंट एंड्रयू कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, KS मेहता कॉलेज, कनकिया पुलिस स्टेशन, रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल, खुशी फैमिली रेस्टोरेंट, शाही रेस्टोरेंट, स्टार मार्केट, वर्धमान फैंटासी, DCB बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, मंदिर, चर्च, वेजिटेबल मार्केट, केमिस्ट, बस स्टॉप, ये सब 2 से 10 मिनट के वॉकिंग और ट्रेवलिंग डिस्टेंस पे है। 10 से 30 मिनट के अंदर आप अभिनव कॉलेज, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, डी मार्ट, फाउंटेन होटल, दारा ढाबा, इनॉक्स, ठाकुर मॉल, एक्सेस मॉल, ग्रोवन 101 मॉल, नेशनल पार्क, घुड़बंदर रोड, एसएल वर्ल्ड, जिसमें बड़े बड़े जो फैक्ट्री के आउटलेट्स हैं जो ब्रांड के, जिसमें पुमा, एडिडास, नाइकी, स्केचर, टी कैथलॉन, रिबॉक, वाटर किंगडम, ग्लोबल विपश्यना, पेगोडा, कुराई बीच, बिलंकनी बीच, ये सब मैंने आपको बताया है 10 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे। अब कुछ मुंबई के जो फेमस चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं, जिसमें आधे घंटे पौने घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह, माउंट मेरी चर्च, बैंडावरली सी लिंक, महालक्ष्मी मंदिर, बरसवा बीच, बनखड़े स्टेडियम, जू बीच, अंधेरी, लिमिटेड मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा, एलिफेंटा केव्स, ये सब आप रीच कर जाते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर। ये तो मैंने प्रोजेक्ट का आपको डिटेल बताया है। आगे आप हमारे सर्विसेज में समझ लें कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को सस्ते में प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अभी हमारे सर्विसेज की बात करूँ तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। अब मेरे पर्सन आएंगे, सारा काम आपको घर बैठे करके देंगे। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है। ऐसा हमने काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फ़ायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है तो हम सेल करते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके दोस्तों। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40% 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी GST डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता, तो कभी PLC नहीं रहता। ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं, अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है और वो पैसे को नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पर डालूँ, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको
परचेस कर सकें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप उसमें फ़ायदा कमा सकें दोस्तों। और अगर आप ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099, ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सअप पे भी हैं। आप हमारे व्हाट्सअप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने फ़ायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है। जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे शूट करना, स्पीच तैयार करना, डायलॉग्स तैयार करना, फिर हम आपको ये प्रेजेंट कर पाते हैं। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों तो आप हमें ज़रूर हमारे इस नंबर पर कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजिशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।